हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एवरीवन इज फाइन? ओके बेटा, आपके स्वास्थ्य को और आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई डेट्स आई है आईआईटी और नीट की, उसके बारे में आज आपसे डिस्कस करना है और आप तैयारी भी कैसे करें इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब नई डेट्स के अकॉर्डिंग आईआईटी जेईई मेंस इसकी डेट तो आई है हमारे पास 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच में होंगे ये एग्जाम, 1 to 6 September 2020। और आईआईटी जेईई एडवांस की डेट है 27 सितंबर और नीट की डेट 13 सितंबर। अब इन नई डेट्स के साथ में हमारे को प्रिपरेशन करनी है, इसके हिसाब से अपनी तैयारी कैसे रखें कि अच्छे मार्क्स आ सके। अब हमारे पास या तो मैं बहुत ज्यादा तैयारी हो गई होगी या कुछ बच्चे सोच रहे थे थोड़ा और समय मिल जाए तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, तो दोनों ही केस को अपन डिस्कस करते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है तो उसको और ज्यादा मजबूत करें। इसके लिए आप जितने भी मॉक टेस्ट है ना, सैंपल पेपर्स हैं, इनको पर डे एक सैंपल पेपर सॉल्व करें और टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें। जिन चैप्टर्स को आपको लगता है कि ये थोड़े से टफ है मेरे लिए, ये हर एक के अलग अलग होता है, तो उनका आप रिविजन स्टार्ट कर दें। अब रिविजन आपने थ्योरी तो पूरी पढ़ी रखी होगी, तो वैसे आप एक काम करो कि चैप्टर वाइज जो हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं ना, चैप्टर वाइज ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज हर दिन में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पूरे जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे सारे सॉल्व कर लो, जैसे आपके पूरा रिविजन ढंग से हो जाएगा। और एक आप मॉक टेस्ट यानी कि कोई सैंपल पेपर मिल रहा है अगर आपको, तो सैंपल पेपर एक पूरा डेली सॉल्व करना शुरू कर दो, उसके जो डाउट्स आते हैं उनके बारे में फिर सोचो सॉल्व करो, तो आपको अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब जिनको लगता था कि थोड़ा और समय मिल जाए तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। अभी आप आईआईटी जेईई मेंस एडवांस या जो नीट के जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको क्रैक करने का अच्छा मौका है आपके पास। जिन चैप्टर्स का आपकी तैयारी हो चुकी है उनका रिविजन स्टार्ट कर दें, तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट रखें कि सुबह के टाइम नए चैप्टर पढ़ने, फिर शाम के टाइम हमारे को रिविजन करना है, इस तरह से मैनेज कर लें अपने हिसाब से, जिससे कि आपको कोर्स भी आगे बढ़े और पढ़े हुए चैप्टर का रिविजन भी। एक चीज का ध्यान रखना, लगातार आपको 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है। लगातार 2 घंटे पढ़ने के बाद उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लें, 10 मिनट का घूम लें फिर लें, पानी वानी पी लें और उसके बाद वापस पढ़ने के लिए बैठ जाए, तो इस तरह से आपकी क्या होगा, थोड़ा सा पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा। तो आपको एग्जाम क्रैक करने का अच्छा मौका मिला है, तो इस मौके को कैश करें और अच्छी प्रिपरेशन के साथ में एग्जाम की तैयारी करें। वापस मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, डेट्स हमारे पास क्या है, आईआईटी जेईई मेंस की 1 से 6 सितंबर और आईआईटी जेईई एडवांस की 27 सितंबर और नीट का एग्जाम 13 सितंबर को डिसाइड हुआ है। इनकी प्रिपरेशन के अंदर जुट जाओ, अच्छी तरह तैयारी करो और बिल्कुल आप सक्सेस हो जाओ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।